शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक मिनट, मुझे कुछ बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करने वाले हो? थोड़ा सब्र करो माँ, सब्र का फल जो है बहुत मीठा होता है। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं ना बोल बोल कर थक गया हूँ। इस बार मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, और इस बार जो मैं धमाका करने वाला हूँ ना, तुम अपने कानों को बंद कर लेना, और ये जो आंखें ना, इनको फाड़ के देखना, बहुत मजा आएगा। I just hope तुम जो कह रहे हो करके दिखाओ। Good morning दादी माँ। Good morning। Good morning। आप रुक क्यों गई दादी? बैठिए ना, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करण के चेयर पे बैठने की? चलो उठो यहां से। ये मेरे करण के चेयर है समझे तुम? पर इस पे करण का नाम तो नहीं लिखा है। अपना ये ड्रामा करना ना बंद करो। वैसे ये कुर्सी इस भैरूपिया के बाप की नहीं, मेरे बाप की है। तो आज से इस कुर्सी पे मैं ही बैठूंगा। तुम इस चेयर पर नहीं बैठोगे। कुणाल, हम और तुम्हारी बकवास नहीं सुनेंगे। हमारे करण की बेइज्जती हम और नहीं सहेंगे। तुम जैसे लोगों के जुबान को लगाम लगाना हमें अच्छी तरह से आता है। तुमने और बकवास की तो आशीर्वाद देना और थप्पड़ मारना, दोनों पर आपका हक है, क्योंकि मैं आपका जायज पोता हूं। एक और मारिए ना दादी माँ। दादी माँ आप प्लीज अपने हाथ में बंदे खींचे इसे। अरे कहां मर गए सबके सब? अरे कम से कम दरवाजे पे अपने स्वागत के लिए तो आ जाओ। जी जी सुबह सुबह ये कहां से टपक पड़ी? अरे 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 बुआ दादी कैसी है आप? कैसी हैं आप इतने दिनों के बाद हैं? दी बुआ,
आप रत्ती भर भी नहीं बदली महादेव की कसम, जैसी थी आज भी वैसी की वैसी हैं। सच्ची जी? कहा बताए बबुआ, उन्नाव की हवा इतनी ताजी है कि कोई भी चेहरा ताजा ही लगता है, इसीलिए तो हमरे चेहरे की त्वचा देखकर हमरी उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सच्ची ठीक कह रहे हैं ना? हाँ। लगते हैं ना हीरोइन के जैसे? अरे बोलो ना, शर्मा कह रहे हो? अरे हीरोइन तो छोटी मोटी चीज है, आप तो कई दर्जे ऊपर है हीरोइनों से आज भी। देखो ना, तुमसे बतियाने के चक्कर में तुमको आशीर्वाद देने ही भूल गए हम। खुश रहो, स्वस्थ रहो और सदा हमरी जैसे जवान रहो। अब आई गई है तो इनके सामने अच्छा बनने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। अच्छा दादी को एक बात बताइए, जब आ ही रही थी हमारी हवेली तो एक कॉल कर दिया होता, हमारा रॉकी खुद ही चल के आ जाता लेने आपको। बहुत शैतान हो तुम, बदले नहीं हो अभी तक हैं? बातों के बहुत राजा हो। लेकिन बबुआ, जब तुम बचपन में निक्कर बांधना भी नहीं जानते ना, तब से हम तुम्हारी रग रग पहचानते हैं, समझे? अगर फोन कर देते तो लाना तो दूर की बात है, बिल्ली से रास्ता कटवा देते हमरा। अरे बुआ जी, कैसी बातें कर रही हैं? अब ये वो रॉकी नहीं रहा है जिसको आप बचपन से जानती थी, अब ये बड़ा हो गया है। तुम तो चुप ही रहो, ज्यादा लीपा पोती ना करो, समझी? बुआ जी खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो, जीते रहो। बुआ जी, आप जानना नहीं चाहेंगी कि ये नया चेहरा कौन है जिसने आपके पैर छुए हैं? क्या सोच रहे हो? सही सोच रहे हो? आपको जानने की जरूरत नहीं, जो पांव को हाथ लगाता है अपना ही होता है। और चेहरा बदल गया है तो क्या, तुम्हारी आत्मा वही है। हमरे करण की खुश रहो। मुझे मेरे दिल से पहचानने के लिए। बुआ दादी, आपने मुझे तो पहचान लिया, अभी इसे पहचान के बताइए। बहुरिया। हाँ बहुरिया। अरे ये तो बहुत सुंदर है। रुको रुको, तुम्हारी मुंह दिखाई करेंगे हम पहले। बहुत सारा सामान लाए, मुंह दिखाई का कहाँ रख दिया है? बुआ दादी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, आप कल दे दीजिएगा। जरूरत कैसे नहीं है, तुरंत काम महाकल्याण। एक काम करो, ये पकड़ो, ये नहीं, ये पकड़ो और ये भी पकड़ो। हाँ ये पकड़ो, पकड़ो और ये लो।
ये तुमरी मुंह दिखाई 11 रुपया और ये 5 रुपया ये लो। ये 5 रुपया ये मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठते हैं ना उनको दे देना, दान हो जाएगा। ठीक है 5 रुपया। कुणाल कहाँ जा रहे हो बबुआ? रुको, क्या सोच रहे हो? सही सोच रहे थे। क्या लगा तुमको हम तुमको नहीं पहचानेंगे? बुआ दादी हैं हम तुम्हारी। चलो पांव छुओ हमरे, चलो छुओ। हे खुश रहो, जीते रहो। एकदम गायत्री के बेटे लग रहे हो। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।